Pakistan. Pakistan. Yeah. Pakistan zindabad. Imran Khan zindabad. Imran Khan. Turkey zindabad. और अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो वो मॉर्निंग मॉर्निंग ही नहीं है ना भाई। अब हमारी कराची वालों की आदत थोड़ी सी ख़राब है ना, रात को लेट सोते हैं सुबह लेट उठते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उठ गया हूँ और हर बार की तरह कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, चलते चलते बताऊँगा। चले लाइफ स्टोर है। पहले दिन मैंने एक चीज़ ले ली थी, वो रिटर्न करनी है, गलत आ गई। किसी ने कुछ मांगा था, अगर आपसे कोई कुछ मंगवाए ना तो कंफर्म कर लेना, ये नहीं हो कि फिर बाद में बोले जाओ तो वही आओ इतना खर्चा करके आओ। सो ले लिया है अब और जा रहा हूँ मैं मोबाइल मार्केट, मोबाइल लेने। और उसके बाद पता नहीं कहाँ मेरी मीटिंग थी वर्साची होटल में, लेकिन मैं घूम रहा हूँ। 2 बजे कितना लिया ये कैमरा? पाकिस्तानी सोनी भैया। मोबाइल मार्केट आया हूँ और जैसे कि आप लोगों को पता है दुबई में प्राइसेस बहुत मतलब कम है जो हमारी मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट से मिलते हैं, लेकिन अगर आप फोन लोगे तो आपको पीटीए हमारे पास सीन कर दिया है, एक पीटीए का, तो आपको पी टी की प्लेंटी जो है वो भरनी पड़ेगी। मैं भी एक फोन ले रहा हूँ, सही रेट पे ले रहा हूँ, आप देखो कि प्लेंटी कितनी बन। भैया देखते देखते शाम हो जाती है और तो आपके भाई ने थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है, क्योंकि जब आप वापस जाते हो ना तो दोस्त ऐसे देख रहे होते हैं। समझे ना आप, तो इसलिए। बाकी ये दुबई शाम में ये माहौल है इधर, और बहुत अच्छा है यार दुबई में, सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। देखो बात ये है ना, आपका भाई ना शूज़ लवर है, मुझे जहाँ भी जाऊँगा ना अगर मुझे शूज़ दिख गए और मुझे पसंद आ गए तो ऐसा हो नहीं सकता मैं उनको परचेज करने से पहले बाहर निकलूँ। तो भाई दुबई आया था और तो मैंने यहाँ से आए हुए अब तक 5 जूते ले लिए, तो आप जूत किसी को मुझे शूज़ भेजने हो तो भेज सकता है, आई विल लव इट। भाई दुनिया में आप जहाँ भी चले जाओ ना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप दुबई आ रहे हो ना यार, तहा लाया नहीं कुछ हमारे लिए, तो भाई लेना पड़ता है। शूज़ की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही। रास्ते में आ रहा था और फिर से शूज़ दिख गए, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा भाई शॉपिंग हो गई बहुत ज़्यादा, तो अब जा रहा हूँ ग्लोबल विलेज। और भैया अगर आप दुबई आए हो और ग्लोबल विलेज नहीं गए तो आप दुबई आए नहीं भाई। फिर बिरयानी ना मिले ना तो फिर मज़ा ही नहीं है, मतलब मज़ा ही नहीं है। ले लिया है, ये पीछे है रेस्टोरेंट, मोहम्मद इकबाल रेस्टोरेंट, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी फूड है।
भैया ग्लोबल विलेज अगर आप आ रहे हो ना तो ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है, तो जल्दी आना ताकि पूरा ग्लोबल विलेज घूम सको। और आना ज़रूर क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल विलेज? ग्लोबल विलेज के अंदर हैं दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ दुनिया के, और उन कंट्रीज़ के अंदर क्या उनका उनकी क्या ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, क्या कल्चर है वो दिखाया जाता है। सो दिस इज ग्लोबल विलेज। खलीफा भूल गए हो ना देखना, तो ये ग्लोबल विलेज में सस्ता वाला बुर्ज खलीफा। इट्स टाइम फॉर टर्की। अब हम जा रहे हैं इस्तांबुल में, आई मीन टर्की के अंदर। तो टर्की के अंदर क्या क्या है उनका ट्रेडिशनल उनका कल्चर वो देखेंगे। आपको आइसक्रीम छिनवाने का शौक पूरा करना है तो आप ग्लोबल विलेज में आएंगे, और टर्की के अंदर जाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। और यहाँ मुझे अपने दोस्त की याद आ गई कि टर्की भी बहुत ज़्यादा बीच खाते हैं। Which is the famous one, brother? That one. This one? Pomegranate double pistachio. Anar juice. Anar juice. Anar juice. You can speak Urdu. Anar. This is anar. Anar. Yeah. This is juice. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. ना टर्की के अंदर जो है इनका जो हॉल है टर्की का, उसके अंदर सीट्स भी हैं, बीच भी हैं, मुझे मेरा दोस्त याद आ गया, और आइसक्रीम वाला मजाक भी हो गया, और एक चीज़ भी हो गई है मेरी सिस्टर है उसके लिए मैंने नाम रिटन लॉकेट उसके नाम का लॉकेट भी बनवा लिया है। इन 10 मिनट्स ही विल गिव मी इन 10 मिनट्स। ओके सुनो, और फिर ग्लोबल विलेज जाएं और अपने मुल्क में ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ दिस इज पाकिस्तान। अच्छा सिर्फ यहाँ मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद और मरी वाले आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में तो इतनी सर्दी होती नहीं है। पता कितना नहीं है। UAE is this UAE Arab? Welcome to Dubai. Yeah. Welcome. Yeah. अच्छा अब आप लोग यूएई के इसमें हॉल में आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बर्फे खुशबू और ये व्हाट इज दिस द नेम ऑफ लुबान
Pregnance. Pregnance. In English, pregnance. In Arabic, luban. Yeah. So, मतलब कंतूरे इसको आप लोग जुबा बोलते हैं वो मिलेगा आप लोग वो ये हेड्स हैं सब है मतलब हेलो बेटा से समथिंग द स्पेशलिटी ऑफ अरब UAE व्हाट इज इट which one which per, which fragrance is for Arab people this one udul marab thanks pakistan ke har gharon mein jo jo puppiyan hoti hai na wo iske bare mein bol rahi hoti hai ye hai zafran la ke do na la ke do to bolti hai nakli hai asli hai और ये इनके मतलब पुराने जो घर होते थे वो ऐसे होते थे चेयर और ये माहौल होता था अंदर UAE भाई अगर आप ग्लोबल विलेज आ रहे हो और आपने रगाग और लोके मार नहीं खाया तो इसका मतलब आप ग्लोबल विलेज आए नहीं हो भाई for Europe what is this brother this is banana, yeah, banana. red angry banana bhaiya Europe mein kuch aisa khas nazar nahi aa raha sannata to kuch dikhega to dal dunga lekin abhi tak to kuch bhi nahi dikh raha ye shuru hote hi khatam ho gaya lekin आप लोग ज़रूर आएँ यूरोप भी आएँ देखिए देखिए हर इंसान का एक दिल होता है ठीक है इंसान है यहाँ पर लोग हैं आके इनको अप्रिशिएट करें इनके पास आएँ इनको देखें इनकी चीज़ों को देखें क्या ये सेल कर रहे हैं क्या ये प्रेजेंट कर रहे हैं एंड खूबसूरती है मत कलर की कलर्स की जो कलेक्शन है ना यहाँ पर चीज़ों में उसकी सॉफ्टनेस से मुझे अच्छा लग रहा है और फ्रेगनेंस भी अच्छी आ रही है यहाँ पर It's time for America. तो हम अमेरिका के अंदर जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर भाई हिप हॉप यो ऐसी कुछ चीज़ें सामने हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अच्छा भाई अमेरिका आ रहे हैं ना तो अमेरिका के अंदर एक स्टॉल है जो मुझे ख़ुद पसंद है दैट्स द ग्लासेस गॉगल स्टॉल तो आप वहाँ पे भी जाएं ज़रूर और आपको अच्छा लगेगा और ये भी कुछ सीन ऐसा भाई अगर अमेरिका के स्टॉल में आप आ रहे हो ना If you are coming inside, so you can see so many caps, like hip hop, yo caps behind me. So that's all. So guys, I am with some my friends in American stall. So guys, hey, qué tal, parceros? Desde Colombia para el mundo. So guys, how are you feeling in this? Muy bien, muy bien. So good, my friend. This is the best shop in America's Pavilion. Do you want to say something to my friends to come here or? Come here, my friend. Vengan acá. Everything, acá everything allowed. Goods. Acá hay de todo lo que ustedes quieran. Little expensive, but enjoy. और अगर आपको घूमते घूमते भूख लग जाए तो यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है Now it's turn for Jordan. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, back up on this one.
Okay guys, if you are coming to Jordan, वैसे आपको पता होगा दुनिया में 7 वंडर्स हैं, उसके अंदर एक वंडर है जॉर्डन के अंदर, पेट्रा. सो दुबई के अंदर जो ग्लोबल विलेज है उसके अंदर है जॉर्डन. जॉर्डन अब आ रहे हो तो इनका जो डांस है वो मैं दिखा नहीं सकता, मैं लेट हो गया हूँ. तो यहाँ पे डांस करते हैं, आप जल्दी आएगा तो वो डांस मिस नहीं कर पाएंगे, डांस ज़रूर देखिएगा जो इनका कल्चर डांस है. तो आप लोग देख रहे होंगे ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है. जी हाँ, क्योंकि ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है. मैं चाहता तो पूरा ग्लोबल विलेज एक ही व्लॉग में डाल सकता था, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता. क्योंकि जो लोग ये देख रहे हैं तसल्ली से बैठ के, जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, एक्सप्लोर करने का, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो ये व्लॉग उनके लिए ख़ास तौर पर देन व्यूवर्स के लिए है. तो मैं चाहता था कि पूरा ग्लोबल विलेज एक वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट्री टाइप में आ जाए, क्योंकि कुछ लोग जो आई होप के हर कोई ग्लोबल विलेज घूमने जाए और बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत सारी मेमोरीज़ वहाँ पे बना सकते हैं. लेकिन जो लोग घर पे बैठे हैं नहीं जा पाते अपने टाइम की वजह से या कुछ और वजूहत की वजह से, तो वो लोग मेरी वीडियो के थ्रू ये ग्लोबल विलेज को देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें डिजिटल वीडियो के तौर पर. तो हमने ये सोचा है कि काफ़ी दफ़ा मैं तो दुबई घूमकर आ चुका हूँ, ग्लोबल विलेज भी मैंने पूरा देखा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ग्लोबल विलेज एक ही वीडियो ब्लॉग के अंदर आ जाए अगर तसल्ली से मुझे उसको प्रोवाइड करना हो, आपको दिखाना हो. तो मैंने ये सोचा है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम दुबई जाऊँगा तो ये आधा ग्लोबल विलेज, 3 से 4 स्टॉल्स में भी मैंने 5 स्टॉल्स दिखाए इसके अंदर, तो उसके बाद हम यहीं से रिकनेक्ट करेंगे दूसरे जो कंट्रीज़ के वहाँ पर स्टॉल्स हैं उनको दिखाएंगे लाइन बाय लाइन तसल्ली से. क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ टाइम पीरियड है, ग्लोबल विलेज की टाइमिंग है कुछ, उस टाइम से खुलता है उस तो फिर रात को बंद हो जाता है, तो पूरा दिन हम वहाँ पे स्पेंड भी करते तो भी नहीं घूम सकते. क्योंकि एक नॉर्मली अगर विदाउट ब्लॉगिंग एक नॉर्मल पर्सन वहाँ पे ग्लोबल विलेज घूमने जाता है तो उसको भी 3 से 4 दिन लगेंगे अगर उसको तसल्ली से पूरा ग्लोबल विलेज घूमना है, या फिर अगर वो अर्ली मॉर्निंग जाए तो फिर नॉर्मली जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो घूम सकता है सारी जगह. लेकिन तसल्ली से अगर इन्जॉय करना है तो उसको मोर देन 24 आवर्स चाहिए होंगे. लेकिन मोर देन 24 आवर्स ग्लोबल विलेज खुलता नहीं है, कुछ सुबह नौ से या फिर रात के 10 बजे तक 11 बजे तक की टाइमिंग है वहाँ की. तो आप लोग ज़रूर, अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा जब भी दुबई जाएं, ग्लोबल विलेज ज़रूर जाके विजिट करें, क्योंकि ग्लोबल विलेज में बहुत सारी आप मेमोरीज़ बनाएंगे, डिफरेंट लोग हैं वहाँ पर, पूरी दुनिया से वहाँ पर काफ़ी सारे नेशनैलिटीज़ हैं वहाँ पर, तो आपको बहुत आपके साथ मतलब बहुत केयरिंग करेंगे आपकी और बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत खुश मिजाज लोग हैं, स्माइलिंग, एवरीवन इज स्माइलिंग, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. और आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिकनेक्ट जाइएगा मेरे, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आप देख सकें. और इन फ्यूचर अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मेरा रिकनेक्ट जो होगा ग्लोबल विलेज का नेक्स्ट टॉल्स का ब्लॉग, तो वो भी आप देख सकेंगे. थैंक यू. असल में पार्किंग बहुत बड़ी है, तो अगर आप थक गए हो ना तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, स्टिल दें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.